Hi, I'm Bharat Lalwad and you're watching me on Bold Bollywood. So hi guys, welcome to our channel and finally we have Bharat with us. So सबसे पहले congratulations on your Thank you. तो कितना अच्छा experience रहा है. Obviously we can see कि कितना अच्छा turnout आया है and we are eagerly waiting to watch the show. But कितना मज़ा आया, जितना भी shoot हुआ है वो shoot करने के लिए आयुषी के साथ and with other co-stars. बहुत मज़ा आया और डेली तुम्हें चांस मिलता है टीवी में यार कि इम्प्रूव करने का और बेटर सीन्स कर सको तो अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत और चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आ रही हैं. मैंने भी अभी देखा आप लोगों के साथ ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बाकी आप लोग बताना और बहुत कुछ सीखने को मिलता है तुम्हें अलग अलग लोगों से. उसकी अलग जर्नी रही, आयुषी की, जयती मैम की, सबकी अलग अलग जर्नी है. तो उन्होंने जो सीखा है शायद मैंने ना सीखा हो या मैंने जो सीखा है उन्होंने ना सीखा हो, तो कुछ चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलती हैं. तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं. Okay, तो जैसे आपने कहा कि सीखने सिखाने की बात है एंड जयती मैम को तो सभी जानते हैं, तो उनके साथ काम करते करते कुछ ऐसे कुछ स्किल नया कुछ बहुत कुछ चीज़ों को लेके कुछ मैंने अभी बताया कि हम सीन्स को लेके ऐसी बातें करते हैं कि इस सीन में क्या किया जा सकता है या मैं ये सोचता हूँ इस सीन को लेके या उस मूवी में ऐसा सीन हुआ था उससे हम रिलेट कर सकते हैं. तुम्हारा इस टाइम पे माइंड में क्या स्टोरी चल रही होगी, ये सीन को पढ़ के क्या समझ आता है. तो बहुत बातें करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कुछ कहीं मैं गलत होता हूँ तो वो करेक्ट करती है मुझे मैम. ऑलराइट, सो आयुषी के साथ काम करने में लाइक वी विल सी कि ऑन स्क्रीन कैसी केमिस्ट्री होगी आपकी, लेकिन ऑफ स्क्रीन कितना क्या बिहाइंड द सीन चलता है विद आयुषी, हाउ मच फन यू ऑल हैव. बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी वो यार. मतलब हम लोग चिल करते हैं साथ में. जब सीन नहीं हो रहे होते तो सब लोग ही बैठते हैं, आयुषी नहीं सब लोग. और कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती है या कभी ऐसा होता है, हर दिन सेम नहीं होता, कभी मूड ऑफ होता है तो बात करते हैं और सॉर्टेड. राइट, सो शूट करते हुए कैरेक्टर के साथ एनी रिजेम्बलेंस यू हैव कि भरत या कैरेक्टर के साथ कुछ ऐसी सिमिलर क्वालिटीज़ है या पूरी डिफरेंट है. मतलब तुम्हें कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कोई ना कोई तो तुम्हारे अंदर ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए या कोई तुम्हारे अंदर ऐसी लेयर हो जो तुम पोर्ट्रे कर सको. मतलब मैं ये मानता हूँ कि राघव के कैरेक्टर के साथ एक कॉमन चीज़ बताऊं तो मुझे ये लगती है कि राघव ने अंदर से मतलब उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है तो वो ऐसा कोल्ड हो गया है. और मैं सब जैसे कभी मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं जैसे कभी सपोज़ रो दिया या चीज़ें निकाल दी, गुस्से में निकाल दी, फिर मैं कोल्ड हो जाता हूँ. फिर मैं वो चीज़ें फ़ील करवाता हूँ कि हाँ मेरे को पता है अभी इसको कैसा फ़ील हो रहा होगा. जब भी आपका जो मतलब फाइनली वो आउट हुआ कि यस यू आर डूइंग दिस शो, तो इंस्टाग्राम पे कैसा रिएक्शन मिला है आपको ऑडियंस से. ये बहुत खुश हुए लोग, जो फ़ैन पेजेस थे वो वापस ज़्यादा एक्टिव हो गए, नए नए फ़ैन पेजेस बनने लगे और एक्साइटिंग तो होता है. मतलब ये चीज़ बड़ी है हमारे लिए कि लोग प्यार कर रहे हैं और कोई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि एडिट्स वगैरह बना रहे हैं, इतने फ़ोटोज़ वगैरह एडिट कर रहे हैं, तो अप्रिशिएट तो करना चाहिए. मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ इन चीज़ों को लेके कि मतलब लोग प्यार दे रहे हैं. वो एडिट्स और मल्टीप्लाई होने वाले 11 नवंबर से. टच वर्ड. ऑलराइट, सो लास्टली आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो उनको आपके कैरेक्टर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए. मतलब कैरेक्टर बहुत मज़ेदार होने वाला है, हीरोइक होने वाला है, जो शायद नॉर्मल लोगों को ज़्यादा जो चाहिए होता है. और जो लोग अगर इसको प्रैक्टिकल होके या इमोशन वाइज देखें तो फिर आपको समझ आएगा कि क्यों वो कैरेक्टर ऐसा है. तो इट्स ऑल राइट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.